आप तक बाकायदगी से पहुंचाने के लिए मैं सबसे पहले जो हमारी ट्रेडिशन है सर वो ये है कि सर्टिफिकेट दी क्योंकि मैथ इसमें कोई कारगर्दगी दिखाना नहीं। अच्छा लगता है कि आप एम्बेसडर्स का काम कर रहे हो। नवीन सर ने प्रिंसिपल सर ने खूब कहा रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन सोसाइटी नॉट ओनली इन योर इंस्टीट्यूशन। आप ही हो जिसके भरोसे इस नेशन को बिल्ड होना है। आप ही हो जो हर कंपटीशन को अचीव करके हर अव्वल दस्ते का रोल निभाते हुए तमगा गाड़ते हो। आप ही हो जो हमारा फ्यूचर है। उनका जो माँ बाप उनकी आशाओं का कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस है जो कहीं ना कहीं अपनी अंथक कोशिशें मेहनतों का वो निछावर कर रहे हैं। गत करम बुलबुल दिखी सामान कहीं कुछ भूल भुला आसा इस स्कूल में आपके पीछे जो कहीं ना कहीं आपको कोसते रहते हैं ये सही है। ये मुझे लगता है ज्यादा न बोलते हुए आपका वक्त न खराब करते हुए डिस्ट्रिक्ट में जीडीसी कुलगाम तक जोड़कर अपनी एक मैसेज है और वो चेंज इस सोसाइटी दरकियान उसी सिस्टम गया। जमाना आ रहा है टेक्नोलॉजी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हमें आज कोई फील्ड नहीं है जिसमें आप आगे जाओगी क्लास फोर्थ एम्प्लॉयमेंट के बस अपनी इस डिग्री को एंड क्रिएटिविटी कैन कंट्रीब्यूट टू सॉल्व सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज पॉवर्टी टू इनइक्वालिटी। में दुआएं छिलक रही थी जुबानों में ये आदमी कौन था कैसा था वाह ऐसा तो पैदा होते हैं जमाने में। नहीं ठीक है ठीक है ना यहाँ से ठीक है। उसके बाद में भी हर वो हैं तो वो कतार से खड़े रहे ना तो दिस ये भैया इतना शुरू किया बेटा किस स्कूल जिन्होंने स्पीड की है शाकिर हुसैन अगर मौजूद हैं तो वो भी अपनी सर्टिफिकेट हासिल करें कतार में रहकर सर्टिफिकेट हासिल करें राशि कतार में रह के अपनी सर्टिफिकेट हासिल करें। ये सर्टिफिकेट हमारे लिए वो थे इस प्रोग्राम के खास मेहमान। चलो ओके थैंक यू गौर साहब किरिथा गौर साहब किरिथा सुपर भाई ओके सर थैंक यू नीरू ये प्रोग्राम एक रोजा कॉन्फ्रेंस थी। ये हमने साउथ एशियन पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट के इश्तराक से किया था इस कॉलेज में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में। पहली बार ये ऐसी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई जिसमें स्टूडेंट्स की तई हमने रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द सोसाइटी। तो क्योंकि सोसाइटी तो हमारी स्टूडेंट से बनती है। स्टूडेंट का एक कलीदी रोल है इसमें कि इनको हमने सेंसिटाइज करना था कि आपका इसमें क्या रोल है सोसाइटी के तहत आपका क्या रोल क्योंकि यही हमारी फ्यूचर एसेट्स है। हमने स्टूडेंट्स को बताना है कि आपको
आपका एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है, आप कैसे सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, आप कैसे माशरे को बदल सकते हैं, तो ये इसकी हमने एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आज मुनाकिद की थी। तो ये बहुत ही अच्छी कॉन्फ्रेंस रही पूरा, इसमें बहुत सारे स्पीकर्स हमारे यहाँ आए थे। हम यहाँ SSP कुलगाम साहब, साहिल साहब थे मेहमान खसूसी के तौर पर यहाँ आए थे। इन्होंने भी यही जोर दिया है कि स्टूडेंट्स का रोल क्या है इसमें, क्यों कॉलेज में ही नहीं, कॉलेज के बाहर जो स्टूडेंट्स हैं, घर में, सोसाइटी में, इनका रोल को हम उभारा है, उनको उजागर किया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी इसमें मकाले पढ़े। ये एक कामयाब कॉन्फ्रेंस थी आज की इस दिन की। साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट इन एसोसिएशन विद GDC कुलगाम, आज के इस डे लॉन्ग सेमिनार जिसमें रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स सोसाइटी, बीइंग ए गुड सिटीजन, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आज वक्त की अहम जरूरत जो चेंज है, एम्बेसडर्स की हैसियत से स्टूडेंट्स का एक भरपूर एनकरेजमेंट हुआ। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल GDC ने बच्चों को आरास्ता किया कैसे, इस प्रोग्राम के हवाले से हम बच्चों में एक जोश, एक पैशन जगा सकते हैं। इस प्रोग्राम की जो सदारत थी वो SSP कुलगाम श्री साहिल सरंगल साहब ने की। सरंगल साहब ने बच्चों को UPSC जैसे एग्जाम्स को कैसे क्रैक करना है, कैसे अपनी कोशिशों को जोड़ना है, और इसके साथ साथ समाज के ताईं, सोसाइटी के ताईं कैसे बेहतर कारकर्दगियों को समझते हुए अपना रोल निभाना है, नेशन बिल्डिंग की बातें हुई, कैसे समाज के साथ साथ पूरे मुल्क भर में जम्मू व कश्मीर, बिलखसूस कश्मीर के नौजवानों को मौका है कि वो चार चांद लगा सकते हैं।